सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड बाय स्ट्रेंज अपडेट के एपिसोड नंबर 98 में आप सभी का स्वागत है। थोड़ा सा लेट ही सही, लेकिन हम लोग वापस आ चुके हैं अपने स्ट्रेंज अपडेट वाले वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं जो वीकली अपडेट निकल कर आती है मूवीज एंड सीरीज की। एंड इस बार भी बहुत ज्यादा धमाकेदार अपडेट साथ लगी है, तो हमेशा की तरह प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे देन वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बात करें अपडेट नंबर 1 की, तो भाई निकल कर आ रही है स्ट्रेंजर थिंग की तरफ से, जिसमें हम लोग इसकी लाइव एक्शन एंड इसकी एनिमेशन सीरीज की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें इसके सीजन 5 की, तो भाई सीजन 5 के ऊपर आप लोग के लिए अच्छी खबरें सामने निकल कर आई हैं। सबसे पहली तो भाई, अभी आप लोग को अगर नहीं पता है तो नेटफ्लिक्स का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव शो स्ट्रेंजर थिंग्स ही है। एंड बताया जा रहा है कि जो सीजन 5 होने वाला है वो उस रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर देगा। अब देखो, जो आप लोगों ने अभी इसका पिछला सीजन देखा था, सीजन 4 के अंदर जो इसकी बनाने की कॉस्ट आई थी हर एपिसोड की, वो थी $30 मिलियन, जो कि भाई उस टाइम के हिसाब से भी बहुत एक्सपेंसिव था। एंड अभी करंटली बताया जा रहा है कि जो सीजन 5 आप लोग को देखने को मिलेगा उसमें पर एपिसोड आप लोग को जो कॉस्ट है वो 40 मिलियन तक भी जाती हुई देखने को मिल सकती है। खास तौर से बताया जा रहा है कि एंडिंग बहुत ग्रैंड होने वाली है, तो उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा खर्चा करा जाएगा। सो यस, जो स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 होने वाला है भाई, अपने ही सीजन 4 के रिकॉर्ड को ब्रेक करके नेटफ्लिक्स की मोस्ट एक्सपेंसिव लिस्ट में नंबर 1 पर पहुंच जाएगा, ऐसा अभी करंटली तो लग रहा है। प्लस इसी के साथ ही भाई मेकर ने सीजन 5 को लेकर कुछ लाइक एक इमेज को भी ड्रॉप करा था, उससे बहुत कुछ तो समझ नहीं आया, बट ऐसे इतना पता चल रहा है कि आप लोगों के साथ आने वाले टाइम में कुछ और भी इन्फॉर्मेशन इसके सीजन 5 के रिगार्डिंग मेकर्स की तरफ से सुनने को मिल सकती है। एंड जून में गीक वीक है, तो देखते हैं उसके अंदर हम लोग को इसके ऊपर क्या सुनने को मिलता है। अब देखो, इसी के साथ ही स्ट्रेंजर थिंग्स की जो एनिमेशन सीरीज है उसकी भी ऑलमोस्ट कंफर्मेशन हो गई है। बताया जा रहा है कि नेटफ्लिक्स की तरफ से इसको ग्रीन लाइट मिलने के बाद अभी करंटली उसके ऊपर वर्क भी स्टार्ट हो गया है। एंड बताया जा रहा है कि ये शो है आप लोग को 2024 के अंदर देखने को मिलेगा। एंड मे बी चांसेस रहेंगे कि ये शो आप लोग को हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाए, बिकॉज नेटफ्लिक्स के ऊपर बहुत सारे एनिमेशन शोज हैं जिनको हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज करा जाता है। तो आगे इनके ऊपर जैसे मेरे को और भी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी मैं आप लोग को अपडेट करता रहूंगा। सो बात करें अपडेट नंबर 2 की, तो निकल कर आ रही भाई मैक्स के नए शोज को लेकर। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो भाई HBO Max अब चेंज होकर मैक्स हो चुका है, जिसका लॉन्च आप लोग को बहुत जल्द USA के अंदर देखने को मिलने वाला है। एंड इसमें जो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक रहा है वो है हैरी पॉटर की सीरीज, बिकॉज आप सभी को पता है कि हैरी पॉटर एक इमोशन रहा है वर्ल्ड वाइड। एंड इंडिया के अंदर भी आप लोग को हर जगह पे हैरी पॉटर के फैंस तो देखने को मिल जाते हैं। एंड जब से इस शो की अनाउंसमेंट हुई है तब से मेरे को भी मल्टीपल क्वेरीज आ गई थी कि क्या ये शो आप लोग को हिंदी में देखने को मिलेगा। तो देखो भाई, एज पर रिपोर्ट्स अभी तक तो लग रहा है कि हाँ, ये शो आप लोग को हिंदी में देखने को मिल सकता है। एंड ऐसा इस वजह से मैं बोल पा रहा हूँ, बिकॉज जब तक इसका वर्क स्टार्ट होगा एंड जब तक ये शो रिलीज होगा तब तक HBO Max इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका होगा मैक्स के रूप में, बिकॉज इसका मर्जर जब से डिस्कवरी प्लस के साथ हुआ है तब से जो चीजें हैं वो फास्ट पेस पर जा चुकी हैं। एंड जैसे ये लोग लाइक अपने इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज या फिर जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको कवर कर लेंगे, उसके बाद ये लोग जब एशिया के अंदर इंटर करेंगे तो लग रहा है कि उसमें लाइक मेन कंट्री इंडिया होने वाली है। तो आगे जैसे मैक्स के ऊपर मेरे को और अपडेट पता चलेंगे मैं आप लोग को बता दूंगा। बट यस, जो इनकी हैरी पॉटर वाली सीरीज है उसके ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट आई है। एंड उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि शायद ये जो सीरीज है वो HBO Max की अभी तक की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सीरीज हो सकती है। तो यस, बजट वाइज तो हैरी पॉटर सीरीज बहुत ज्यादा सॉलिड होने वाली है, ये चीज कंफर्म हो चुकी है। अब कास्टिंग कैसी होगी एंड इसके अंदर स्टोरी कैसे होने वाली है वो देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज जिन्होंने बुक को लिखा है वो भी इस सीरीज के अंदर बहुत अच्छी तरीके से इन्वॉल्व रहेंगी। तो एक्सपेक्टेशन तो भाई फैंस लोग की यही रहेगी कि उन लोग को उसी लेवल का मजा मिले जैसा उनको मूवीज के अंदर मिला था। एंड बिकॉज ऑफ ये सीरीज है तो दैट्स व्हाई आप लोग को छोटी छोटी चीजें और भी अच्छी तरीके से सीरीज के अंदर प्रेजेंट करी जा सकती है। सो बात करें अपडेट नंबर 3 की, तो निकल कर आ रही है स्क्विड गेम के अमेरिकन रीमेक को लेकर। जब मैंने पहली बार इस न्यूज को सुना था तो मेरे को लगा कि शायद ये एकदम फेक न्यूज होगी, बट अभी कंटली जिस हिसाब से आर्टिकल्स आ रहे हैं प्लस अभी जितना बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग यस, नेटफ्लिक्स के अंदर एक सीरियस टॉक हुआ है कि क्या इसका एक रीमेक बनाना चाहिए अमेरिकन स्टाइल में। अब देखो यहाँ पे सही मेरे को लगता है कि शायद ये सब सीरीज ऐसी है जिनके ऊपर रीमेक बनाया भी जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर आप लोग को गेम वाले सिनेरियो देखने को मिलते हैं, बट जो इम्पैक्ट होगा वो शायद उतना अच्छा ना हो जितना स्क्विड गेम सीरीज का रहा है, बिकॉज जो ओरिजिनल कंटेंट होता है उसको लोग ज्यादा ही सपोर्ट करते हैं। एंड उसके बाद चाहे उसकी जितनी भी कॉपी बन जाए वो कॉपी ही रहती है। तो मेरे हिसाब से तो शायद मेकर्स को इसको नहीं बनाना चाहिए, बट आप लोग के क्या थॉट्स हैं इसको आप लोग भाई डेफिनेटली शेयर कर देना। आगे इसके ऊपर जैसे और डेवलपमेंट होगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता रहूंगा। सो बात करें अपडेट नंबर 4 की, तो भाई निकल कर आ रही है कैंग द कॉन्करर की तरफ से। अब देखो, अगर आप लोग को नहीं पता है तो जो MCU का अभी करंटली सबसे तगड़ा विलन है वो है कैंग द कॉन्करर, जो कि चाहे कितनी बार भी मर जाए बिकॉज ऑफ कि उसके मल्टीपल वेरियंट है तो वो हमेशा ही अमर रहता है। एंड ये MCU का आने वाले टाइम में बहुत बड़ा विलन होने वाला है, जो कि इनकी एवेंजर्स की जो आने वाली मूवीज हैं उसके अंदर भी देखने को मिलेगा। एंड थैनोस के बाद मार्वल ने जो सबसे ज्यादा तगड़ी इन्वेस्टमेंट किसी भी विलन के ऊपर करी थी वो कैंग द कॉन्करर ही था, जिसको भाई जोनाथन मेजर प्ले कर रहे थे। लेकिन अभी करंटली भाई जोनाथन मेजर के कुछ जो कंट्रोवर्शियल केस हो चुके हैं एंड उनकी अरेस्ट की भी खबरें सामने निकल कर आई थी, तो उसको लेकर अभी करंटली बताया जा रहा है कि मार्वल के अंदर डिस्कशन स्टार्ट हो गया है कि क्या इनको रिप्लेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बिकॉज जैसे मैंने आप लोग को बताया कि कैंग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है
एंड इसके ऊपर काइंड ऑफ डिपेंड भी करता है मार्वल का फ्यूचर। तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि एक ऐसे एक्टर को लें जिसका भरोसा ही नहीं है कि वो कब अरेस्ट हो जाए या फिर आगे उसके साथ क्या चीज होने वाली है, क्योंकि पब्लिक सेंटीमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। सो भाई, जैसे आप लोग को जॉनी डेप सर के साथ होता हुआ देखने को मिला था, तो शायद वही सीन आप लोग को जोनाथन मेजर के साथ भी होता हुआ देखने को मिल सकता है। अब वो गिल्टी है या फिर नहीं है ये चीज अभी तक मेरे को नहीं पता है, बट यस, वहां के जो स्टूडियोज होते हैं वो इन सब में डिसीजन एकदम तुरंत लेते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि मार्वल अभी इसमें टाइम ले रहा है, बिकॉज जैसा मैंने आप लोग को बताया कि भाई कैंग द कॉन्करर कोई मजाक नहीं है, वो बहुत ज्यादा मेन कैरेक्टर है, तो ये लोग कुछ सोच समझ के ही डिसीजन लेंगे। लेकिन यस, बताया जा रहा है कि रिप्लेसमेंट की बात अभी करंटली स्टार्ट हो चुकी है, तो मे बी आप लोग को इन फ्यूचर कैंग कोई दूसरा एक्टर भी प्ले करता हुआ नजर आ सकता है। आप लोग का इसके ऊपर क्या टेक है, आप लोग अपने थॉट को डेफिनेटली शेयर कर देना। आगे लाइक न्यूज के ऊपर जैसे और भी कुछ इंप्रूवमेंट होगी मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। सो बात करें अपडेट नंबर 5 की, तो भाई वो निकल कर आ रही है द फ्लैश मूवी के नए ट्रेलर को लेकर। अब देखो, आप सभी को पता है कि मूवी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड इसके जब पहले ग्लिम्स को रिलीज करा गया था तो उससे लोगों की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो बाकी मूवीज कैसा परफॉर्म करेंगी वो तो नहीं पता है, बट बिकॉज ऑफ की जो मूवी है वो काइंड ऑफ रिबूट करने वाली है डीसी यूनिवर्स को, तो दैट्स व्हाई इससे एक्सपेक्टेशन फैंस लोग की भी काफी ज्यादा रहेंगी। एंड एज़रा मिलर की चाहे कितनी भी कॉन्ट्रोवर्सीज हो चुकी हो, लोग इस मूवी को देखने जाएंगे ऐसा मेरे को लगता है। तो भी करंटली जो नई अपडेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि आप लोग को जिसका नया ट्रेलर है वो 25th of April को देखने को मिल सकता है। इसके करंटली चांसेस काफी ज्यादा है, एंड जब ट्रेलर रिलीज करा जाएगा तो भाई वार्नर ब्रोस बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि अपने ट्रेलर को तुरंत हिंदी में भी रिलीज कर दें, तो आप लोग को इसका हिंदी वर्जन भी देखने को मिल जाएगा। द फ्लैश मूवी आप लोग को इंडिया के अंदर 23rd of June को देखने को मिलेगी, एंड उसी टाइम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऑल्दो इसके सिनेमाकॉन के अंदर जो लाइक प्रीमियर होने वाला है उससे भी चीजें क्लियर होंगी, तो आगे जैसे इसके ऊपर मेरे को और भी चीजें पता चलते रहेंगे मैं आप लोग को इन्फॉर्म करता रहूंगा। आप लोग बताना हमें कितने लोग द फ्लैश मूवी का बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। बाकी भाई अभी करंटली इस बार के स्ट्रेंज अपडेट वाले वीडियो में इतना ही, होप करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है देन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आप लोग से अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, पीस ऑफ।